कहता है कि जो फ्रांस और ब्रिटेन है ये अपनी जो पार्स हैं वो तो खो चुके हैं, ठीक है, वो गिव अप कर चुके हैं देयर मोस्ट ऑफ लैंड पोजीशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद, एंड लेसर पावर्स आल्सो डाइवेस्टेड देमसेल्व्स ऑफ देयर फार फ्लंग डोमिनेशन। अब वो जो फार फ्लंग डोमिनियंस हैं उन पे भी अब उनकी इतनी शायद ताकत नहीं रही, ठीक है। फ्रांस फाउंडर सेज कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म हैव नॉट पेड देयर ड्यूज व्हेन दे विथड्रू देयर फ्लैग्स। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म उन्होंने हैव नॉट पेड देयर ड्यूज, उनके उन्होंने नुकसान के ड्यूज अदा नहीं किए व्हेन दे विड्रू देयर फ्लैग्स, जब उन्होंने वहां से अपने फ्लैग्स विड्रू किए। आज वो जो ब्रिटिश आए थे बरेसगीर में वो यहाँ से जा चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन व्हेन दे विड्रू देयर फ्लैग्स उन्होंने हमारा वो नुकसान पूरा नहीं किया जो वो कर चुके हैं। एंड देयर पॉलिस फोर्सेज फ्रॉम आवर टेरिटरीज, और हमारी टेरिटरी से बेशक उन्होंने पॉलिस फोर्सेज निकाल दी हैं लेकिन अभी भी उन्होंने हमारा वो नुकसान पूरा नहीं किया उन उस कॉलोनियलिज्म ने और उस इंपीरियलिज्म ने जब ये बैकअप किए। फॉर सेंचुरीज और फॉर सेंचुरीज द फॉरेन कॉलोनिस्ट हैव बिहेव इन देयर अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक नथिंग मोर देन क्रिमिनल। और फॉर सेंचुरीज ये जो फॉरेन कॉलोनिस्ट थे इन्होंने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऐसे बिहेव किया लाइक नथिंग मोर देन क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स से ज्यादा इन्होंने, कातिल से ज्यादा इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है, यानी कि इन्होंने खूब लूट मार की है और इन्होंने खूब क्रुएलिटी की है, लोगों को कत्ल किया, एक्सटर्मिनेट किया। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपीरियलिज्म मस्ट टेक स्टॉक आल्सो इन प्रेजेंस प्रेजेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर एम्पायर, दैट इज यू स्टिल फाइंड इट इन राइटिंग्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश हिस्टोरियंस, फॉर एग्जाम्पल हु रिग्रेट द डे एंड द आइडिया दैट वी हैड टू गिव अप, गिव इंडिया अप और वट वी हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम अल्जीरिया। और अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपीरियलिज्म को देखा जाए इन अ प्रेजेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर एम्पायर, ये जो नॉस्टैल्जिया है कि जी हमें एम्पायर चाहिए, हमारा एक असर व रसूख होना चाहिए, दैट इज यू स्टिल फाइंड इन राइटिंग ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश हिस्टोरियंस। तो आप फ्रेंच और इंग्लिश हिस्टोरियंस की राइटिंग से हमेशा ये चीज फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हु रिग्रेट द डे, जो कि उस डे को भी रिग्रेट करते हैं एंड द आइडिया, और उस आइडिया को भी, दैट वी हैव टू गिव इंडिया अप, जिस दिन हमने इंडिया को छोड़ा था बरेसगीर से जब ब्रिटिश वापस गए थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और वट वी हैड टू विदड्रॉ फ्रॉम अल्जीरिया, और हमने अल्जीरिया से क्या ले लिया, दैट स्टिल एग्जिस्ट, जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड वट ऑल्सो एग्जिस्ट इज द एंगर एंड रिसेंटमेंट इट प्रोवोक्स द मेमोरी ऑफ एम्पायर, और ये जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है उस एंगर के अंदर, उस रिसेंटमेंट के अंदर, उस बेइज्जती की तरफ जो कि प्रोवोक करती है मेमोरी ऑफ एम्पायर को, इन दोज हु वर रूल्ड, जो कि रूल किया करते थे, मुसलमानों ने रूल किया था ना बड़े सगीर के ऊपर, आज भी वो एंगर और वो बदले की आग उनके अंदर जन्म ले चुकी है। वो सी इन एम्पायर नथिंग बट एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर फॉर द नेटिव पीपल, और जिन्होंने इस एम्पायर में कुछ भी नहीं देखा सिवाय इसके कि उन्होंने नेटिव पीपल के साथ अनमिटिगेटेड ऐसा डिजास्टर कर दिया, उनके साथ ऐसा नुकसान कर दिया जो कभी पूरा नहीं होगा। सो वी मस्ट ट्राई टू लुक केयरफुली एंड इंटीजरली एट द कल्चर, तो हमें इंटीजरली और केयरफुली इस कल्चर को देखना चाहिए। ये तो अल्लामा इकबाल रोते रोते चले गए कि वो था ना, अपनी ही मट्टी में चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अल्लामा इकबाल खुद जर्मनी से PhD करके आए थे लेकिन उनको अपने कल्चर का पता था, पढ़े लिखे इंसान थे, सारी उम्र उन्होंने अपनी जो हायर डिग्रीज थी उनकी लंदन में और जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में गुजरी, लेकिन वापस कहाँ आए, अपने मुल्क वापस आए, बड़े सगीर में वापस आए, अपने कल्चर के लिए काम किया, अपनी नेशन के लिए काम किया। इस वजह से अल्लामा इकबाल को कहा जाता है शायर मशरक, इसलिए अल्लामा इकबाल को कहा जाता है कि ये वो शायर था जिसने मुसलमानों की डूबी हुई रूह को दोबारा से बेदार किया था। एक हम है अपने बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो, बाहर से ही पढ़ो लिखो और फिर बाहर ही चले जाओ, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। उस वक्त बड़े सगीर में इससे भी बुरे हालात थे जब अल्लामा इकबाल वापस आए थे, और ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने कायद आजम को बुलाया था पाकिस्तान में कि यू आर द वन, जो कि क्योंकि कायद आजम छोड़ के चले गए थे ना बड़े सगीर को,
تو علامہ اقبال نے ہی قائد اعظم کو واپس بلایا کہ نہیں آپ آئیں, آپ آئیں, آپ اس ملک کے لیے کام کریں, تو پھر پاکستان بنا تھا. اور ایک گام میں ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہے ہی کیا, ہمارے بچوں کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. سو وی مسٹ ٹرائی ٹو لک کیئرفلی اینڈ انٹیجرلی ایٹ دا کلچر اینڈ نرچر دا سینٹیمنٹ. اور ہمیں پھر اب کیئرفلی اور انٹیجرلی اس کلچر کو دیکھنا چاہیے اور نرچر کرنے چاہیے ان سینٹیمنٹس کو, ریشنل لاجک کو, اینڈ ابو آل دا امیجنیشن آف امپائر. اور یہ جو امیجنیشن آف امپائر ہے اس کو ہمیں بہت خیال سے دیکھنا چاہیے. اینڈ وی نیڈ آلسو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیجمنی آف imperial ideology which by the end of the 19th century had become completely embedded in the affairs of cultures whose less regrettable features we still celebrate today. Africa self-appointed wit runs throughout the world including the Soviet Union and China. Aaj bhi America ki ye jo self-appointed wit hai, uski jo soch hai, uski self-appointed jo hikmat hai, wo aaj bhi پوری دنیا میں انکلوڈیڈ سوویت یونین اور چائنا وہ گھوم رہی ہے. اوور دوز ٹیریٹری دا یونائیٹڈ اسٹیٹ ڈیورنگ دا کولڈ وار ایزرٹڈ دا رائٹ ٹو فلائی ملٹری ایئر کرافٹ. یہاں تک کہ یونائیٹڈ اسٹیٹ کولڈ وار میں جب ان کے ملٹری ایئر کرافٹ دوسری ٹیریٹریز میں, جب انہوں نے 9/11 پہ حملہ کیا, وہ افغانستان میں حملہ کیا تھا, 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد افغانستان پہ حملہ ہوا تھا, پاکستان کی ہوائی حدود استعمال ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے یہ حدود, ہمیں الاؤ نہیں کریں گے, ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے. یہ ان کی سیلف اپوائنٹڈ وٹ ہے کہ پوری دنیا شاید ہماری ہے اور دے آر سبجوگیٹڈ پیپل, اور ان لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ یہ جھکے ہوئے ہیں. دا یو ایس یونیکلی بلیسڈ ود سرپاسنگ رچز, امیر ہے نا یہ, exceptional history stands above the international system, not within it. Supreme among nations, she stand ready to be bearer of the law. She, America ko kaha ja raha hai, dekhe beta land ke liye she hota hai use, theek hai, earth ke liye bhi she hota hai, America ke liye she use ho raha hai, theek hai. Supreme among nations, kyunki nations mein supreme hai, nation ke liye bhi she use hota hai, land, earth aur nation, uske liye she use hota hai, theek hai. تو نیشن کے لیے اٹ یوز نہیں ہوتا, یا یہ چیز دیکھ لیا. سپریم امانگ نیشن شی اسٹینڈ ریڈی ٹو بی بیئرر آف دا لا, تو وہ ہمیشہ ریڈی رہا ہے امیرکا ٹو بی بیئرر آف دا لا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, مذکر مؤنث میں جو موسٹلی اردو میں مذکر ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا قوم ہوتی ہے امیرکا ہوتا ہے, وہ امیرکا کے لیے شی یوز کریں, ٹھیک ہے, ان کا مؤنث ہوتا ہے. اس لیے بیٹا لینگویج ٹو لینگویج آپ کے مذکر مؤنث میسکولائن فیمینائن چینج ہوتے ہیں, تو یہ چیز دیکھ لیجیے گا. ایون اگر آپ عربک پڑھیں گے تو وہاں کے میسکولائن فیمینائن اور طرح سے, ایز کرنن پٹس اٹ, امریکہ لو ٹو تھنک دیٹ واٹ ایور اٹ وانٹڈ واز جسٹ بٹ ہیومن ریس وانٹڈ. امریکہ جو ہے وہ یہ سوچنے میں مطلب ایک ایلیویشن فیل کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا ایلیویٹڈ تصور کرتا ہے, دیٹ جو وہ چاہتا ہے واز جسٹ, وہ بالکل صحیح ہے, وہ بالکل وہی ہے, بٹ ہیومن ریس وانٹیڈ, جو کہ ہیومن ریس چاہتی ہے. اب امریکہ نے بڑے مزے سے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ جی ہم سارے ٹیررسٹ کو کل کر دیں, اور اس نام پہ انہوں نے کتنا جو ہے کروئلٹی جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کے بعد ایک تباہی پھیل گئی, پوری دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب تمام آپ کا جو, اگر کسی نے پڑھی ہو, اکنامکس پڑھی ہے کبھی, جب ممالک کا پیسہ جنگوں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو دنیا میں جو ہے یہ جو جابس ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان امپلائمنٹ عام ہو جاتی ہے. اور ناٹ اونلی اگر ایک ایریا کا, یہ میں آپ کو ابھی سمجھاتی ہوں کہ کیا ہو, مطلب یہ کیا اس کا جنگوں کے کیا نتائج ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک جنگ تھی جس کا پوری دنیا میں بہت زیادہ آج تک اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ آج بھی دیکھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسی 9/11 کے بعد یہ جو سارا ہوا, یہ ساری تباہی, ناٹ اونلی پاکستان یا انڈیا کے اندر اتنی تباہی نہیں ہوئی یا یہاں کی صرف ادھر نہیں ہوئی, امریکہ کی اپنی بھی ہوگی اور امریکہ کے ارد گرد کی جتنی جو نیشنز تھیں وہ بھی اسی اس میں آ گئی. اور اس وقت گلوبلی طور پہ ان امپلائمنٹ دیکھی جا رہی ہے, ڈالر کا ریٹ
आप देखें कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बाकी सारे मुल्कों में भी यही हो रहा है। और आहिस्ता 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 नहीं, बहुत तेजी से महंगाई हो रही है, लोग भूखे और नंगे होना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? इस तरह के फैसलों की वजह से, इन जंगों की वजह से। लास्टली, नो वन टूडे इज प्योरली वन थिंग। लास्टली, एक चीज हमेशा देखिएगा कि कोई भी, नो वन टूडे इज प्योरली वन थिंग, कोई भी चीज एक ही, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी ठीक नहीं होता। इंपीरियलिज्म कंसोलिडेटेड द मिक्सचर ऑफ कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज ऑन अ वर्ल्ड स्केल, बट इट्स वर्स्ट एंड मोस्ट पैराडॉक्सिकल गिफ्ट वाज टू अलाउ पीपल टू बिलीव दैट दे वर ओनली मेनली एक्सक्लूसिवली वाइट और ब्लैक और वेस्टर्न और ओरिएंटल। वो कहता है इंपीरियलिज्म जो है वो कंसोलिडेट जरूर करती है मिक्सचर ऑफ कल्चर को, यानी कि आज हम आधे अंग्रेज और आधे मुसलमान तो बन गए। एंड आइडेंटिटीज ऑन अ वर्ल्ड स्केल, और आइडेंटिटीज ऑन वर्ल्ड स्केल चले वो कंसोलिडेट करती है कि जी इंपीरियलिज्म में ये होता है कि हमें उनके कल्चर का पता चल गया, उनको हमारे, तो हम लोगों की आपस में कम्युनिकेशन गैप कम हो गया। लेकिन उसका जो वर्स्ट इफेक्ट है वो ये है, और मोस्ट पैराडॉक्सिकल कहते हैं टोटली ऑपोजिट गिफ्ट जो था वो ये था कि पीपल, लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया, चाहे वो अमेरिकन थे, चाहे वो डोमिनेटिंग नेशंस के थे या डोमिनेटेड नेशंस के थे, दे वर ओनली मेनली एक्सक्लूसिवली या तो वो वाइट है या ब्लैक है या वो वेस्टर्न या ओरिएंटल है। ठीक है, हम लोगों को ओरिएंटल कहा जाता है, वो लोग वेस्टर्न है, हम लोगों को ब्लैक्स कहा जाता है, वो वाइट्स है। जस्ट एज ह्यूमन बींग्स मेक देयर ओन हिस्ट्री, दे ऑल्सो मेक देयर कल्चर एंड एथिकल आइडेंटिटीज। नो वन कैन डिनाई द परसिस्टिंग कंटिन्यूटीज ऑफ लॉन्ग ट्रेडिशन, कोई भी परसिस्टिंग कंटिन्यूटीज ऑफ लॉन्ग ट्रेडिशन को डिनाई नहीं कर सकता। हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है, सस्टेन्ड हैबिटेशंस होती हैं, नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं और कल्चर जियोग्राफीज होती हैं। देखें बेटा, अफगानिस्तान में आप जाएंगे, वहां पे जियोग्राफिकली वहां के लोग उसी तरह का बिहेव करेंगे, उनका कल्चर भी वैसा होगा, उनकी लैंग्वेज भी वैसी होगी। पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों में चले जाएं, वहां की मकामी लैंग्वेज, मकामी जबान, उनका गेटअप, उनकी ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम वहां जाके अपना कल्चर इम्पोज करना शुरू कर देंगे तो बेसिकली वो सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। बट देयर सीम्स नो रीजन एक्सेप्ट फियर एंड प्रेजुडाइज टू कीप इंसिस्टिंग ऑन देयर सेपरेशन एंड डिस्टिंक्टिवनेस, एज इफ दैट वाज ऑल ह्यूमन लाइफ वाज अबाउट सर्वाइवल, इन फैक्ट इज अबाउट द कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। लेकिन देयर सीम्स नो रीजन एक्सेप्ट फियर एंड प्रेजुडाइज, नो रीजन, कोई रीजन नहीं है एक्सेप्ट फियर और प्रेजुडाइज जो कि इंसिस्ट करता है ऑन देयर सेपरेशन एंड डिस्टिंक्टिवनेस, उनकी सेपरेशन और उनकी डिस्टिंक्टिवनेस के ऊपर जो एक प्रेजुडाइज है, ये जो इंसाफ है कि जी उनकी सेपरेशन और उनकी डिस्टिंक्ट, कि जी वो कोई सेपरेट नेशन है और वो शायद डिस्टिंक्ट नेशन है, एज इफ दैट ऑल ह्यूमन लाइफ वॉज अबाउट सर्वाइवल, इनफैक्ट इज अबाउट द कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। सर्वाइवल तब होता है जब चीजों के दरमियान आपस में कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं होगा कि दे आर वाइट्स, उनको अलहदा कर दिया जाए और दे आर डिस्टिंक्ट एंड वी आर नॉट। इन इलियट फ्रेज, रियलिटी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अदर्स इकोस दैट इनहैबिट द गार्डन। वो कहता है कि रियलिटी कभी भी डिप्राइव ऑफ नहीं की जा सकती, किससे? अदर इकोस, दूसरों की आवाजों से। इकोस किसे कहते हैं? दूसरों की आवाजों से जो पलट के आती हैं, That inhabit the garden, जो के inhabit करती है garden में, यानी कि हम अपने garden को अपनी आवाज से रोशन करते हैं, दूसरों की आवाजों से रोशन नहीं होता। अच्छा, ये एडवर्ड शेड की बेटा कोट ऐड कर लीजिएगा, History is written by those who win and those who dominate. History उन लोगों ने लिखी जो के जीत गए और who dominate, और जो के dominate कर गए। ये एक कोट एंड में ऐड कर लीजिएगा। ये बेटा आज आपका लेक्चर था जो कि